चार दिन पूर्व पूर्वी यमुना नहर से एक बोरे में बंद राहुल के शव को लेकर पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। राहुल की हत्या उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने हत्यारे ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेजा। 21 जून को पूर्वी यमुना नहर बड़ूत से बोरे में बंद एक व्यक्ति का शव मिला था। इसकी शिनायत राहुल पुत्र विजयपाल शताब्दी नगर के रूप में उसी की पत्नी प्रिया द्वारा की गई थी। 22 जून को मृतक के साले विवेक ने कोतवाली बड़ूत पर इस संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत कराया। पुलिस तभी से घटना की छानबीन में जुटी है। शुक्रवार को सीओ बड़ोत आलोक सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को मीडिया के सामने पेश किया। देखिए, ये बड़ोत थाना क्षेत्र में एक 19 तारीख को एक पुरुष के गायब होने की, जिसका नाम राहुल था, उसके गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी गुमशुदगी थाने पर 20 तारीख को लिख दी गई थी और पुलिस उसे तलाश कर रही थी। तभी 21 तारीख को ये जो अपर गंगा कैनाल है इसके नहर में छपरौली पुल के पास एक शव बरामद हुआ था बोरे के अंदर बंद, तो जिसकी पहचान राहुल के रूप में की गई थी और इसकी तफ्तीश में बड़ौत पुलिस ने कामयाबी हासिल करी है आज। और इसमें ये पता चला है कि इसकी पत्नी और एक विकास नाम का लड़का जो दोघट के हैं, ये फेसबुक फ्रेंडशिप हुई थी इन दोनों की और इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। पति से पत्नी का काफ़ी झगड़ा रहता था, मारपीट होती रहती थी, तो इन लोगों ने दोनों ने इसी संबंध में इसको पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और 19 तारीख को रात में पति को दूध में नशे की नींद की गोलियां, 6-6 गोलियां लड़के को और पति को दे दी गई और उसके बाद उसका गला दबा के हत्या की गई इसकी पत्नी के द्वारा। और हत्या करने के बाद उसके शव को बोरे में रख के उसका सील करके मोटरसाइकिल से विकास के साथ ये लोग नहर की तरफ गए हैं और नहर में उस बोरे को फेंक दिया है, जिससे कि पब्लिक वालों को ये महसूस हो कि ये बह के मर गया, जो इनका सोचना था। और इन ये मोटरसाइकिल विकास और इसकी पत्नी, आज तीनों पत्नी और विकास की गिरफ्तारी हो गई है और जो मोटरसाइकिल से इन्होंने शव को फेंका था नहर में वो भी बरामद हो गई है। और ये वहाँ के जो आसपास नहर के आसपास सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हो गई है, जिसमें ये लोग जाते आते और शव को फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं।